मेरे कोलीग है, ही इज़ ब्लाइंड एंड ही इज़ यूजिंग आर्टिफिशियल आई. तो वो रात के 12 बजे, ही बिलोंग्स टू इंडिया, और वहाँ पे वो खड़े हुए थे. तो किसी ने गन पॉइंट पे उनको कहा कि आपके पास जो कुछ भी है वो मुझे दे दे. तो मैंने अपनी आर्टिफिशियल आई निकाली और उस बंदे को दे दी. अब वो भाग गया कि कोई गोश जो उधर नहीं क्या चीज़ आ गई है कि रात के वक्त बाहर खड़े हुए. आई एम रिप्रेजेंटिंग अ बिलियन पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज अराउंड द ग्लोब. नाम अबिया अकरम, जिसे दस्ते कुदरत ने जिस्मानी तौर पर कमजोर बनाया है. ख्वाब, समाज के बनाए बेबुनियाद असूलों से लड़ना, अपनी कमजोरी को अपनी ताकत साबित करना, सिर्फ चलना नहीं उड़ना चाहती है. आई एम अ वुमन विद अ डिसेबिलिटी एंड आई हैव बीन लाइक वेरी प्राउड ऑफ इट, बिकॉज मुझे ये लगता है कि डिसेबिलिटी इज अ डिफरेंट लाइफस्टाइल. बहुत ज़्यादा जो एक मिसकंसेप्शन है कि डिसेबिलिटी या तो आपके गुनाहों की सज़ा है या फिर ये कि आपके फैमिलीज को आजमाइश में डाला गया अल्लाह की तरफ से. और इन दोनों सिनेरियोज में हम उनको सोसाइटी से एक्सक्लूड कर देते हैं, कोई भी उनसे बात करना पसंद नहीं करता. इसीलिए हमें बहुत कम नंबर है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज का. दे आर कम्प्लीटली अनकाउंटेड पॉपुलेशन. इंसानी बनाए इस माशरे को ये बात समझनी होगी कि फकत सांस लेना नहीं है इनकी मजबूरी, इनके लिए भी है जीना इतना ही जरूरी. हमारे निजाम में ऐसे माजूर अफराद को क्यों कर हकीर समझा जाता है, जबकि ये हमारे ही माशरे का एक अहम हिस्सा है, जो कि तमाम सियासी, सामाजिक, माशी और सकाफती हकूक रखते हैं. हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इस टाइप का नहीं है कि जहाँ पर एक डेफ वुमेन या फिजिकल डिसेबल पर्सन या कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ जो लोग हैं या ब्लाइंड लोग हैं वो कहीं पर भी इजीली जा सकें. 20 इयर्स की स्ट्रगल के बाद विद द सपोर्ट ऑफ ऑल द गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, की स्टेक होल्डर्स, हम लोगों ने लाइक सक्सेसफुली वी केम अप विद दिस लेजिस्लेशन जो कि फर्स्ट एवर डिसेबिलिटी राइट्स एक्ट है, जो कि ICT पे भी है, पंजाब में भी है, सिंध में भी है. तो इन सब चीज़ों पे अब काम हो रहा है. ऑब्वियसली इट वॉज नॉट ईजी, क्योंकि बींग अ वुमेन विद अ डिसेबिलिटी हमारी सोसाइटी में जहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव एटीट्यूड्स होते हैं, विद द सपोर्ट ऑफ माई फैमिली, माई पेरेंट्स, माई सिबलिंग्स, कोलीग्स, फ्रेंड्स, उस सब की सपोर्ट की वजह से वी वर एबल टू क्रिएट दिस प्लेटफॉर्म, कि जहाँ पे ना सिर्फ मैं अपने लिए बल्कि तमाम पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए काम कर सकूँ. अबिया अकरम पिछले कई सालों से ऐसे डिसेबल और जिस्मानी तौर पर कमजोर अफराद के लिए एक कामयाब NGO नेशनल फोरम ऑफ वुमेन विद डिसेबिलिटीज बतौर CEO चला रही हैं. NGO का मकसद माजूर अफराद की इज्जत नफ्स, सेहत और माशर्ती हकूक की फरामी और हकूक की बेहतरी के लिए तमाम यकसा कोशिशें करना है. दस्ते कुदरत ने इंसान को अशरफुल मखलूकात पैदा किया है. इंसान को बनाने वाले हकीकी तख्लीक कार का हर शाहकार ही बेहतर से बेहतरीन तर है. इसीलिए हमें इन्हें नहीं बल्कि खुद को ठीक करने की जरूरत है, क्योंकि हम सब एक हैं, एक निजाम का हिस्सा हैं. I am a woman with a disability, but I am really okay with that. आपको हमें fix करने की ज़रूरत नहीं है, आप environment fix कर दें, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को बेहतरीन तख्लीक बनाया है, उसके अंदर कोई कमी नहीं हो सकती. ये environment, buildings, attitudes ये हमारे बनाए हुए हैं, हम गलती कर सकते हैं, तो उसको fix करने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि आप मुझे कहें कि आप डॉक्टर के पास जाएँ, आप अपना इलाज करवाएँ. आप क्यों नहीं करते fix कुछ चीज़ों को? जेंडर बेस्ड वायलेंस, सेक्सुअल हरासमेंट, घरों के अंदर जो उनके साथ वॉयलेशन हो रही थी उसके ऊपर बात करना बहुत इंपॉर्टेंट थी. तो देन वी स्टार्टेड अ प्रोग्राम के जिसमें UNFPA डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर वी स्टार्टेड द साइको सोशल सपोर्ट प्रोग्राम फॉर वुमेन एंड गर्ल्स विद डिसेबिलिटी. आई कॉन्ट डू एनीथिंग अलोन, जब तक कि हमें पूरे पाकिस्तान की सपोर्ट नहीं मिलेगी और उस वक्त तक हम लोग को एक
इंक्लूसिव इन्वायरमेंट जो कि हर एक के लिए डिग्निफाइड लाइफ प्रोवाइड कर सके, वो विजन है मेरा कि वहाँ पे हम कब पहुँचेंगे कि जहाँ पे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज अपनी लाइफ को इंजॉय करेंगे। आई एम प्राउड पाकिस्तानी एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ लाइक जो भी सपोर्ट मुझे पाकिस्तान से मिल रही है। आई एम रिप्रजेंटिंग पाकिस्तान अभी जस्ट रिसेंटली ऑन द 100 BBC वुमेन के उसमें मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन, तो उसमें भी मुझे यही लगा कि आई एम जस्ट लाइक पाकिस्तान इज़ माई आइडेंटिटी और उसी की वजह से आज मैं यहाँ पे ग्लोबली और सब कंट्रीज में पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के राइट्स के ऊपर बात कर रही हूँ। शुक्रिया पाकिस्तान के इस सीरीज में आज हम फिर से पाकिस्तान के इस बेटी की हिम्मत, मजबूत इरादे और चट्टान जैसे हौसले के साथ वतन अजीज के लिए इसकी खिदमत पर इसे खिराज तहसीन पेश करते हैं।